नमस्कार। जिले भर की तमाम ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक जमाना था जब छतरपुर शहर की सड़कें लगभग 40 से 45 फीट चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अतिक्रमण ने पूरा नक्शा ही बदल दिया है। हालांकि इस नक्शे को एक बार फिर से बदलने के लिए प्रशासन कमर जरूर कस रहा है, लेकिन ये काम शायद इतना आसान नहीं है। इसके अलावा लवकुश नगर में एक हत्या हुई थी, उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। अतिक्रमण वाले स्थान को चिन्हित कर एक बार फिर से 7 दिन बाद शुरू करेगा प्रशासन कार्यवाही। सन 1979 के नक्शे के आधार पर हो सकती है अतिक्रमण विरोधियों पर कार्यवाही। लवकुश नगर में 8 मई को हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की नियत से की गई थी 20 वर्षीय संजय अहिरवार की हत्या। नौगांव के शासकीय नवीन कॉलेज में परीक्षाओं में नियम के विरुद्ध जाकर हो रही कार्यवाही। सहायक ग्रेड 3 को बनाया गया केंद्राध्यक्ष, प्राचार्य भी अनुपस्थित। विद्युत विभाग ने शुरू किया वसूली अभियान, लगभग 50 कनेक्शन काटे, हजारों रुपए की हुई वसूली। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। लगभग एक सप्ताह बाद एक बार फिर से प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा। फव्वारा चौक से लेकर चौक बाजार तक ये कार्यवाही की जाएगी। कुछ दिन पहले यहां पर नपाई की गई थी। इस नपाई को लेकर दुकानदारों में असंतोष था। वजह ये थी कि ये नपाई 1979 के आधार पर चिन्हित की गई थी। बताया जाता है कि तब छतरपुर शहर की सड़कें लगभग 40 से 45 फीट चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब नक्शा पूरी तरीके से बदल चुका है और अब मात्र 20 फीट की सड़कें सिकुड़ कर रह गई हैं। यही वजह है कि पार्किंग की व्यवस्था ना होने और दुकानों के सामने ही वाहन पार्क होने से आए दिन यातायात बाधित रहता है। इस बात को लेकर प्रशासन का कहना है कि एक सप्ताह बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर लोकेश चौरसिया के पास। नजूल विभाग के अनुसार 1979 के नक्शे के अनुसार छतरपुर के फब्बारा चौराहे से लेकर चौक बाजार की सड़कें 40 से 45 फीट चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज की स्थिति में बात करें तो 20 फीट चौड़ी बची हैं। यहां पे ये सड़कें सक्रिय हो गई हैं। इसकी वजह है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इसको लेकर एक सप्ताह बाद एक बैठक रखी जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो अतिक्रमण हटाने को लेकर है। इसमें पहले लोगों को जानकारी दी जाएगी, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 45 फीट चौड़ी सड़कें अब छतरपुर को मिल पाती हैं या नहीं, इसको लेकर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस ओर किस तरीके का कदम उठाता है। क्या सड़कें फिर से 45 फीट चौड़ी होगी या फिर 20 फीट चौड़ी में ही सिमट जाएंगी? बाजार में तो अतिक्रमण से जुड़ी बहुत सी आपदाएं हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग के लिए बहुत बड़े बड़े स्पॉट होने के बावजूद भी उनका उपयोग पार्किंग के लिए न होकर व्यापारिक या कॉमर्शियल उसमें यूज़ किया जा रहा है। हर जगह फल सब्जी, यानी कोई एक प्रॉपर मार्केट है ही नहीं किसी चीज़ का। जहाँ जिसको जगह मिल रही है वहाँ वो फल सब्जी उनकी दुकान लगा लेता है, जबकि उसका यूज़ एक पार्किंग के लिए किया जाता है। बजरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। आदमी अपनी दुकान से कम से कम 5-5-6-6 अपने टांगे निकले हुए हैं निकलने के लिए, पैदल निकलने की भी जगह नहीं मिलती है। आने वाली टैक्सियाँ इस रोड पर खड़ी होती हैं और आने वाली भी खड़ी होती है। ग्राहक पैसे ऐसे नहीं देते, खड़ा रहता है, काफ़ी जाम लगता है। अगर इसका चौड़ीकरण हो जाए तो ये काफ़ी सही होगा। और इसका सुना भी है कि प्रशासन कोई हरकत में आ रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। शीघ्र करवाई जाए, इससे हर प्रकार का नुकसान।
हमारे पास में नजूल के 1779 के नक्शे, उन नक्शों को लेकर के जो तस समय चौड़ाई हुआ करती थी रोड की, उसके आधार पर हमने अभी चिन्ह वगैरह लगवाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर हर दिन हम ये कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो ऑफिस का काम है वह प्रभावित होता है। लोग पेशियों पर दूर दराज से आते हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी झेलना पड़ती है, क्योंकि उनका उस दिन काम नहीं हो पाता है, तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सप्ताह के दो दिन जिस दिन हमारी पेशियाँ कम लगी हों उस दिन हम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें, और जब भी अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उसके पहले हम मुनादी जरूर करवाएंगे। 1780 के नक्शे हैं, उन नक्शों के आधार पर जो पैमाइश हुई है उससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण करके रोड को संकरा कर दिया गया है, जिससे लोग आवागमन प्रभावित हो रहा है। निश्चित तौर पर पहले भी हमने हर जगह पर मुनादी करवाई है और निशान भी इस बार लगवा दिए गए हैं। जिस दिन भी कार्रवाई होगी उसके एक दिन पहले हम लोगों को आगाह करेंगे, उनको संसूचित करेंगे। चंदा में भगौरा रोड पर एक पुलिया के पास एक युवक का शव पाया गया था और इस अंधेध हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। यहां 20 वर्षीय संजय अहिरवार का शव पाया गया था। इसके बाद फिर इस पूरे मामले में खोजबीन करने के लिए चंदा थाना प्रभारी कमलेश साहू, जुझारनगर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान और सरवई थाना प्रभारी जितेंद्र भदौरिया की टीम एसपी के निर्देश पर बनाई गई। इस टीम ने पड़ताल करने के बाद इस पूरे मामले में सीताराम अहिरवार को दोषी पाया। चूंकि संजय अहिरवार ठेकेदारी का काम करता था और सीताराम को ये शक था कि इसके पास कुछ नकदी और पैसा होगा, और लूट की नीयत से उसने संजय अहिरवार को रोका और उस पर हमला बोल दिया और उसके बाद उसका सर पत्थर से कुचल दिया। सीताराम अहिरवार आत्म अपराधी है, पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर दिया है। उसका नाम था संजय अहिरवार, वो शादी के लिए उसके पिता के द्वारा बताया गया कि वो शादी 6 तारीख को वो भदौरा शादी में गया था। इस प्रकार लाश की पहचान हुई। लाश की पहचान के बाद फिर जब उसको पंचनामा लिया गया, पंचनामा उसके सर में, छाती में, सीना में चोटें थी, तो उसका पंचनामा लगा पीएम कराया गया, तो उसमें चोटों के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद इसकी हत्या हुई है। एरिया को पता लगाया गया, इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कौन से आधार पर, ये सीताराम अहिरवार जो घटनास्थल से 200-250 मीटर की दूरी पर टपरियों में रहता था, लच्छूपुर पुरवा में रहता था, उसको उससे पूछताछ की गई, उसके आधार पर उसने जरूर कबूल किया और उसको गिरफ्तार किया गया है। पत्थर पटक के किया उसने, और हत्या का उद्देश्य उसका लूटपाट का उद्देश्य रहा। इन दिनों विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। नौगांव में भी शासकीय नवीन कॉलेज में ये परीक्षाएं चल रही थी। यहाँ पर एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे, लेकिन पेपर के समय जो केंद्राध्यक्ष बनाए गए थे वो ग्रेड 3 के कर्मचारी को बनाया गया था। जब फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर आई तो उसने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई कि कम से कम ग्रेड ए या ग्रेड 2 कर्मचारी केंद्राध्यक्ष बनाया जा सकता है और ग्रेड 3 के कर्मचारी को नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज। इस मौके पर यहां प्राचार्य भी उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा प्रोफेसर्स के लिए भी छात्रों ने शिकायत की कि वे समय से नहीं आते हैं, काफ़ी लेट होते हैं। तो मैं नहीं आ नहीं पाया, मैं तबीयत खराब थी, हमको मिले नहीं वो, जब मैं आता तो चले गए, तो जो नेक्स्ट आदमी होता है एक्सटेंस वो सुप्रिंट बन जाता है, कोई और सुप्रिंट छुट्टी होता है, ये होता है। दो लोग सामने से अपने एक थे वो छुट्टी भी ले सौ वाले। अभी इस विषय पर हम प्राचार्य से बात करेंगे और इसके बाद हम अगर प्राचार्य इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम लोग SDM के पास और आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोग छात्र हित में कार्य करेंगे, विद्यार्थी परिषद बार हमें छात्र हित में कार्य करती आई है और करती रहेगी। अगर इस प्रकार की गलतियाँ पाई जाती हैं विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और छात्र हित में ही कार्य करेगी। जय हिंद जय भारत। नहीं है फिर डायरी दिखाइए, आप फिर डायरी क्यों दिखाएं, जब सही सब सही है तो डायरी कहाँ है फिर? प्राचार्य जी, प्राचार्य तो अनुपस्थित थे, फिर कहाँ से पटारी पहुँच गई प्राचार्य के पास? सर जी बताएंगे ना। मेरे जो MA के स्टूडेंट हैं, मैं पिछले साल भी तो टाइम से 10 बजे आती थी, वो क्योंकि जॉब करते हैं बच्चे, तो उनके समय के अनुसार मुझे टिकट सेट करना। और दूसरे कॉलेज में सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हमेशा होती है, तो उस शिफ्ट के कारण, सेकंड शिफ्ट के कारण मैं 12 से 1 उनका पीरियड लेती थी। और उनको चूँकि आज बच्चों को मैंने 12 बजे बताया, अगर 10 बजे बताया या उनको 11 बजे बताया तो बच्चों को आने में बड़ी असुविधा होती थी। मैं बच्चों के हित के अनुसार उनका पीरियड
मेरे जितनी भी बच्चियां हैं वो सब जॉब करती हैं किसी ना किसी स्कूल में, और जॉब करने के बाद बच्चे आते थे। एक बजे से मेरा पीरियड उसका होता है बीए सेकंड सेम का, इसके बाद एमए का कि एमए है, और एमए के बच्चे चूंकि जॉब करते हैं यहाँ पर। नहीं, बच्चे जॉब करते हैं डजंट मैटर है, लेकिन आपके आने का टाइम और जाने का टाइम क्या है? बच्चे तो मैंने बच्चों के अनुसार इसलिए कर लिया है क्योंकि यहाँ पर एक तो वो होता है एग्जाम चलता है हमेशा, तो मैं 11:30 पर टाइम का मैनेजमेंट आप खुद करते हैं, मतलब आपके कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम का मैनेजमेंट मैं खुद करती हूँ। तो आप मैं यहाँ पर 10:30-11 बजे आती हूँ। अभी तो मैडम आप हम लोग बाहर खड़े थे, अभी हमारे सामने आप 1 बजे आई हैं। नहीं, अभी तो मैं परीक्षा को उसमें आई शिफ्ट में, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, अभी साढ़े बारह एक पर मैं शिफ्ट के कारण आ रही हूँ, परीक्षा चल रही है एक महीना से। बार बार खबरें दिखाने के बाद जिला अस्पताल में अब सुधार आया है, 7 नए कूलर लग गए हैं और पुराने कूलरों को भी रिपेयर करके लगा दिया गया है। लगभग 20 पुराने कूलर रिपेयर हुए हैं और अब इसके बाद अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अगर और जरूरत पड़ी तो कलेक्टर से निर्देश लेकर टेंडर प्रक्रिया कराई जाएगी और उसके बाद यहाँ व्यवस्था होगी। अभी गर्मी को देखते हुए हमने कूलर 7 कूलर लगाए हैं, और ये कूलर बड़े कूलर हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 200-250 लीटर तक पानी मिल जाता है, तो एक एक वार्ड में एक एक दो दो कूलर रखे हुए हैं, 7 तो मंगा लिए हैं, और जो पुराने कूलर कुछ हमारे यहाँ रखे थे उनको भी हमने करीब 20-25 कूलर रिपेयर कराए हैं, सब जगह लग जाएंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और कूलर मंगाएंगे, और मालूम काम हो गया इतने में तो ठीक है, पर्याप्त है, और सारे एसी हमने सब ठीक करा दिए हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिली। विद्युत विभाग ने बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को लगभग 50 कनेक्शन काटे गए और हजारों रुपए की बिल की वसूली हुई है। अधिकारियों का कहना है कि उनको चेतावनी दी जा रही है, जिनके पुराने बिल बकाया हैं वे जल्द से जल्द अपने बिल जमा कर दें, अन्यथा ऐसी गर्मी में उनको परेशान होना पड़ेगा। गुरुवार को ये कार्रवाई गल्ला मंडी और आसपास के इलाकों में हुई जहां पर लगभग 50 कनेक्शन काटे गए हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग से संबंधित लोगों को शिकायत यह है कि यहाँ पर 7 काउंटर हैं जिनमें 2 मशीनें खराब हैं, और काफी भीड़ को देखते हुए विभाग का ये कहना है कि अगर काउंटर की और जरूरत पड़ी तो और काउंटर लगाए जा सकते हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा है जिसमें डिफाल्टर उपभोक्ता जितने भी हैं 5,000 से ऊपर, उनके सबके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर प्राय देखा गया है कि 2-3-4 महीने से या 6 महीने से बिल बिल्कुल आदमी नहीं जमा कर पा रहा है, और इसमें सप्लाई की भी परेशानी बढ़ रही है, पर फिर भी उपभोक्ता के मतलब स्वप्रेरण नहीं हो रहा है कि बिल जमा करेगा। अभी लास्ट 2-3 दिनों में रामचरितमानस के आसपास के इलाकों में गल्ला मंडी और बाईपास में कम से कम 50 कनेक्शन काटे गए हैं जो 15-15-20,000 रुपए से जमा थे। तो अभी कल से ये आपके एरिए जो हैं, बस स्टैंड हो गया आपका, विश्वनाथ कॉलोनी हो गया, डेरी रोड हो गया, सागर रोड है, इन पे डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जाएगी। अतः हमारा अनुरोध है सभी मतलब उपभोक्ताओं से कि सब अपने अपने बिल 5,000 से ऊपर जितने भी बकायेदार हों तो अपना बिल तत्काल जमा करें। गर्मी बहुत पड़ रही है, काउंटर बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 4-5 काउंटर है, पूरी जगह भरी है और पड़े हैं, काउंटर कुछ 12 बजे खुल रहा है, कोई 1 बजे खुल रहा है, कुछ काउंटर ही नहीं खुल रहा है, एक काउंटर तो बंद ही चल रहा है। 6 घंटे जो लाइन में खड़े हुए हैं, ये ऑफलाइन काट रहे हैं और मशीनों से जमा नहीं कर रहे हैं, मशीन चालू हुए तो फिर ऐसे है कि जनता जल्दी जल्दी छतरपुर से सटे जाते समय बीच रास्ते में एक ही परिवार के 5 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। ये लोग बोलेरो में सवार थे और सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके बाद वहां से फरार हो गया। लोगों की मदद से लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, घायलों में 1 वर्ष की मासूम बच्ची भी शामिल है। सर वो इस तरीके से कि हम जा रहे थे, ट्रक तेज़ी से आ रहा था सर, उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने ठोक दी गाड़ी सर। सर मेरी मैसेज अनीता अरवार 2 साली, अनीता और प्रभा और हमारी बच्ची ऐसी अरवार। सागर लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर की मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार का नगर पालिका में सम्मान किया गया। भाजपा का कहना है कि क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र कुमार के प्रयासों का ही नतीजा है कि छतरपुर को ये सौगात मिली है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, सीएमओ कामता प्रसाद गुप्ता और वार्डो के पार्षद मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद और क्षेत्र में विकास की दिशा में जो सहयोग केंद्र के हमारे मंत्रियों का मिल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप
छतरपुर में विकास आज स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। 60 साल की और हम 3 साल की अगर तुलना करें तो इस 3 साल में जहाँ एक ओर हमको झांसी से खजुराहो मार्ग की देन हमको आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा मिली, वहीं कवरई से सागर तक और इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में 232.7 किलोमीटर के रूप में ये दूसरे रोड का हमको वो ये सौगात हमको केंद्र के द्वारा मिली। और इसके साथ ही साथ रेल मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इंटरसिटी ट्रेन की भी घोषणा की और अभी पिछले दिनों मेरी उनसे बात हुई थी। आगामी इसमें जो टाइम टेबल रेलवे का बनता है उस रेलवे के टाइम टेबल शामिल करके और ट्रेन की सुविधा भी शीघ्र अतिशीघ्र हमारे क्षेत्र को मिलेगी। ये परिवहन के साधनों का विस्तार होने से जहाँ इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में बल मिलेगा, वहीं से एजुकेशन हब के रूप में भी वो छतरपुर की पहचान मिलेगी। अमृत परियोजना का लाभ भी यहाँ पर मिल रहा है। सागर से लखनऊ तक आर्थिक कॉरिडोर ये छतरपुर जिले को मिला है। हमारे सांसद जी, क्षेत्र के लोग भी, सांसद माननीय मीरेन जी द्वारा लगातार ये प्रयास किए जाते रहे हैं कि झांसी का बाईपास रोड, झांसी रोड और ये यहाँ पर ये आर्थिक कॉरिडोर के रूप में बुंदेलखंड में कोई एक अच्छी सड़क हमको मिले। और उनके इन प्रयासों से हमको पहली बार बुंदेलखंड को, अगर हम कोई कॉरिडोर की बात करते हैं तो पहले कॉरिडोर के रूप में ये उपलब्धि मिली है। निश्चित रूप से हम अभिभूत हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय सांसद जी का भी हमने अभिनंदन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ऑडिटोरियम में किया गया। इस आयोजन के माध्यम से बताया गया कि किस तरीके से कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे जो कि बूथ स्तर पर जाकर पार्टी कार्यों और इसके अलावा शासन द्वारा, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता विस्तार हेतु विस्तार कार्यक्रम का आयोजन था जिसे जिला प्रशिक्षण वर्ग नाम दिया गया था। इस एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई। ये लोग मतदान केंद्रों पर जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में भी बताएंगे। इस मौके पर संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, आरएसएस के भालचंद्र नाथू, विष्णुदत्त चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम समाज के अंदर जब जाएंगे तो हमें ध्यान रखना होगा, एक एक पोलिंग बूथ तक हम जाने वाले हैं, पोलिंग बूथ की हम बैठक करने वाले हैं। जहां पर पोलिंग बूथ का निर्माण नहीं हुआ है वहां पर हम पोलिंग बूथ का निर्माण करने वाले हैं। उस पोलिंग बूथ में जो सदस्य रहेंगे उसमें मातृशक्ति का आनुपातिक दृष्टि से सही प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, हमारे समाज के प्रत्येक बंधुओं का उसमें प्रतिनिधित्व हो रहा कि नहीं हो रहा। महिला बाल विकास द्वारा मातृत्व सहायता योजना चलाई जा रही है। पहले इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत सागर और छिंदवाड़ा में लागू किया गया था और उसके बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में ये योजना लागू है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उसके बाद प्रसव के पश्चात इनको आर्थिक सहायता देने की योजना है, जिसमें 6,000 रुपये की राशि 2,000 की 3 किश्तों में दी जाएगी और शुरू के 2 बच्चों के लिए ये योजना लागू होगी और शुरुआत के 2 बच्चों के लिए ये योजना लागू होगी। मातृत्व सहायता योजना गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के पश्चात आर्थिक सहायता की योजना है। अभी इसके पहले यह 2 जिलों में संचालित थी, छिंदवाड़ा और सागर, अभी यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ हो गई। हाँ, उस खबर मैंने भी वो खबर व्हाट्सएप पर किसी समाचार ग्रुप में पढ़ी थी। उसमें योजना ये है कि 6,000 रुपये की राशि उस महिला को श्रम की आंशिक पूर्ति के लिए, ताकि गर्भावस्था के दौरान उसको जो अगर वो श्रम करती है तो उसकी कुछ पूर्ति हो जाए, ये 6,000 रुपये की राशि महिला को दी जाती है, 3 किस्त में दी जाती है। ये प्रथम 2 संतान को इस योजना के तहत महिला की उम्र प्रथम 19 वर्ष के लगभग होना चाहिए, क्योंकि विवाह की उम्र 18 वर्ष है तो ये माना जाए कि उसका विवाह कानूनन उम्र में हुआ है और उसके 1 वर्ष पश्चात प्रथम प्रसव हुआ है तो प्रसव के समय उसकी उम्र 19 वर्ष होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रसव पर यह लाभ दिया जाता है। हाँ, मैंने 2 प्रथम प्रसव और द्वितीय प्रसव, अगर तीसरा होता है तो तीसरे पर लाभ नहीं मिलता। माधवा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरा के पुरवा में एक महिला के साथ नहाते समय उसके ही परिजनों ने मारपीट कर दी। दरअसल उसके जेठ और उसका पुत्र
उसकी ही जमीन पर खेती करते थे और पूरा हिस्सा रख लेते थे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और जो महिला ने अपनी जमीन पर खुद काम करने और अपना हिस्सा मांगा तो लोगों ने एक राय होकर उसे हैंडपंप पर नहाते समय लाठी डंडों से पीट दिया। 30 वर्षीय रजनी राजपूत के हिस्से में 25 एकड़ जमीन आती है, लेकिन जेठ ठलुआ राजपूत और उसके पुत्र राजेश, बहू और मंगल ने मिलकर पीट दिया और यही लोग उस जमीन पर कब्जा करके खेती करते हैं। जंगल आए हैं, हमको बिल्कुल एक एकड़ जमीन भी 20-25 एकड़ जंगल है। हमने मांगी कुछ ना किया, उससे क्या देना क्या नहीं देना, मैं तो कुछ बोला ना, पीछे से उसने लठ मार दिया, मैं एक जान से मार रहा था, गाड़ी से आया सोनमवार से। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। इस संग्रहालय दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच में क्विज, पेंटिंग और निबंध जैसी प्रतियोगिताएं कराई गईं। लगभग 100 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। सर्किट हाउस के बगल में बने पुरातत्व विभाग के नए भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में ग्वालियर के सीनियर अकाउंट ऑफिसर RP गुप्ता, वीरेंद्र कुमार, पंकज श्रीवास्तव, जितेंद्र मिश्रा और के वर्मा सहित बड़ी संख्या में विभाग के लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता का, निबंध प्रतियोगिता का और एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है और साथ ही उनको मोटिवेट करने के लिए प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई तो अनंत कार्रवाई है जो समय समय पर चलती रहती है, क्योंकि आज कोई प्रतिमा हमको मिलेगी तो उसके बाद फिर उसकी कार्रवाई होगी, आने वाले समय में जो मिलेंगी फिर उनको पंजीबद्ध करेंगे, तो ये कभी नहीं अपन कह सकते कि आज इतनी है कल उतनी है, वो तो क्वांटिटी पे नहीं रहता। बरेठी गांव में एक युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उसके रिश्तेदारी में कुछ मवेशी चोरी हो गए थे और वे मवेशी हतना सतना गाँव में कुछ लोगों के पास मिले थे। इस बात को लेकर आरोपियों ने उस व्यक्ति की मारपीट की क्योंकि उन्हें शंका थी कि इसके द्वारा ही गांव तक खबर पहुंचाई गई है। राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि आरोपी लल्लू परमार, ज्ञानेंद्र सिंह, राम प्रताप और वीरेंद्र द्वारा उसके बुआ की लड़के की मवेशी भैंस चुराई गई थी जो कि हतना सतना में थी। आरोपियों ने इसी शक पर कि राजेश कुमार ने उनको जानकारी दी होगी उसके साथ मारपीट की है। मारपीट के साथ साथ राजेश की गाड़ी की चाबी, 5000 रुपए, मोबाइल और एक चांदी की चेन भी ये लोग छुड़ा ले गए। 100 डायल की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। राम प्रताप के आनंद लल्लू राजा बेजंदा, इन लोगों ने भैंसे हराए थे हमारी बुआ के बहू की, भाभी की हमारी, तो इनके घर में चोरी से इन लोगों ने बंद की, तो वहाँ पर भैंसे मिली तो नाम लगा दिया जाते हैं, इसने बताएंगे तो इस वजह से घर में बैठ के मेरे को सर में कुल्हाड़ी मारी है, मेरे सर पे गट्टा रखा है उन्हें, तो मेरे को लठ मारा, सभी लोगों ने बहुत मारा था। मैं 2 घंटे बाद होश में आया जी, मोबाइल, चाबी मेरी गाड़ी की, 5000 रुपये, जंजीर इतनी मेरी छीन ली। महाराजपुर के सेवड़ी गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ मारपीट कर दी। दरअसल वो बड़े भाई से पैसे की मांग कर रहा था और पैसे न दिए जाने पर इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। भाई ने मार दिया संजय, उन्हें 50,000 रुपये दे दी मांग की पर, हमने कही दाई थे बोली बस मारा ही लो, बस देना ही लगी, मथुरा पटे और नारद पटे। दिलीप अहिरवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर एक रैली निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। रैली महोबा रोड से प्रारंभ होकर भाजपा के जिला कार्यालय में आकर संपन्न हुई, जहां पर आतिशबाजी फोड़कर और मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन का हमारे छतरपुर के जिले के अंदर छतरपुर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बुद्धू भैया, हमारे सागर संभाग के संगठन मंत्री, सभी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से आज मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया गया अनुसूचित जाति मोर्चा का। और आज मेरे सभी अनुसूचित जाति वर्ग के सभी साथियों ने आज जो धूमधाम से खुशियां मनाते हुए रैली निकाली है और मेरा जो भाजपा कार्यालय में स्वागत किया है, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत आह्वान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस कार्यालय के प्रदेश का महामंत्री बनाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग।
अतिक्रमण वाले स्थान को चिन्हित कर एक बार फिर से 7 दिन बाद शुरू करेगा प्रशासन कार्यवाही। सन 1979 के नक्शे के आधार पर हो सकती है अतिक्रमण विरोधियों पर कार्यवाही। लवकुशनगर में 8 मई को हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की नियत से की गई थी 20 वर्षीय संजय अहिरवार की हत्या। नौगांव के शासकीय नवीन कॉलेज में परीक्षाओं में नियम के विरुद्ध जाकर हो रही कार्यवाही। सहायक ग्रेड 3 को बनाया गया केंद्राध्यक्ष, प्राचार्य भी अनुपस्थित। विद्युत विभाग ने शुरू किया वसूली अभियान। लगभग 50 कनेक्शन काटे, हजारों रुपए की हुई वसूली।